हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्ट्रो फ्रेंड्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में ड्राइवर एक क्लिक में ही डाल सकते हो। सब कुछ, सारे ड्राइवर, चाहे वो ड्राइवर साउंड का है, वीजीए का यानी कि ग्राफिक्स का है, या फिर टच पैड का है, या माउस पैड का है, या ब्लूटूथ का है, कोई भी ड्राइवर। दोस्तों, जितने भी ड्राइवर्स अपने लैपटॉप कंप्यूटर में डलते हैं, आप सारे एक क्लिक में डाल सकते हो। वो भी कैसे, वो तो दोस्तों आप सभी को पता होगा। अगर आप ड्राइवर नहीं डालते हो तो आपके सामने दिक्कत क्या आती है कि आपका अगर वीजी का ड्राइवर नहीं होगा तो आपका गेम नहीं चलेगा, अगर आपका साउंड का ड्राइवर नहीं है तो आपके सॉन्ग नहीं चलेंगे, और अगर आपका ग्राफिक्स का ड्राइवर नहीं है तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत लो क्वालिटी से चलेगी और इतनी फास्ट कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। और अगर आपका लैपटॉप है तो उसमें ब्लूटूथ काम नहीं करती, या फिर माउस पैड काम नहीं करता, या फिर जिसमें टच पैड है उसमें टच पैड काम नहीं करता। तो दोस्तों, बहुत सारी दिक्कत आती है अगर आपके सिस्टम में ड्राइवर ना हो तो। ड्राइवर की बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत सामना करना पड़ता है दिक्कतों का कंप्यूटर और लैपटॉप में। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो और कैसे उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे कि आप अपने ड्राइवर सब कुछ डाल सकते हो। या अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे भी वो प्रोवाइड हो पाएगा, चाहे आप मुझे पेमेंट करोगे या चाहे मैं, जैसे भी वो मनेगा, अगर आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है दोस्त, तो इसे सभी के लिए डाउनलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उसमें सभी ड्राइवर्स आपके मिल जाएंगे, कोई आपके दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा दोस्तों, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो अगर वो डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको, वैसे तो मैं आपको जो लिंक है इसका डाउनलोड का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, नहीं तो आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। तो आपको गेट इन टू पीसी साइट पे जाना होगा दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ पर डालना होगा कि ड्राइवर पैकेज सोल्यूशन डाउनलोड करो, उसके बाद में गो कर देना दोस्तों। गो करने के बाद ये आ जाएगा दोस्तों, ड्राइवर पैकेज सोल्यूशन 17.4.5। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी आपका आ जाएगा इसमें। देखिए दोस्तों, इसका जो साइज़ है लगभग 11 GB का साइज़ है दोस्तों, और आप इसे फिर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके। वैसे मैं इसका लिंक है जो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा। तो आपको क्या करना हो, मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ वैसे तो ये अपने आप यहाँ से प्रोसेसिंग होने के बाद डाउनलोड हो जाएगा, और मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो इसको क्लोज कर दीजिए, हम इसको नहीं करना है दोस्तों डाउनलोड। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, सिंपली जहाँ पर वो मैंने सॉफ्टवेयर रख रखा है मुझे वहाँ पर जाना होगा। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप इसे जब रन कर रहे हो तो रन करते वक्त आपका एंटीवायरस ऑफ होना चाहिए दोस्तों। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, आपको इस आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों, ड्राइवर पैक। तो दोस्तों, आपने फिर जो ऑप्शन आएगा यस नो का, वो यस कर देना, उसके बाद में आपका ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा ऐसी स्क्रीन, ऐसा आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको देखो नाम आ रहा है कि ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना ड्राइवर के रिलेटेड, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल देना, और मैं आपको आधे घंटे का आंसर अंदर अंदर उसका आंसर दे दूंगा, वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगले अपडेट्स आते रहें आपके पास। वैसे दोस्तों, ये थोड़ी लोड लेगा क्योंकि ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ी देर ले सकता है। वैसे प्रोसेसिंग के हिसाब से चलता है, अगर आपका प्रोसेसर अच्छा खासा है i7 i5 तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आपका वही ड्यूल कोर है, p4 है, या फिर i3 है, तो थोड़ी देर ले सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट एप्लीकेशन हो गया, ये अब चेक करेगा कि कौन कौन से आपके ड्राइवर डालने हैं और कौन से नहीं। ये प्रोसेसिंग हो रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने अभी वैसे क्या कर रखा है कि नेट कनेक्ट कर रखा है, तो ये कह रहा है कि न्यू ईयर वर्जन आया हुआ है, तो अभी हम ऑफ कर देते हैं नेट की, हमें ज़रूरत नहीं है, और इसको कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। इसमें देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिक आपका जो मॉडल नंबर होगा वो उठा लेगा, जैसे मेरा लैपटॉप है डेल इंस्पिरॉन 3558, तो इसने वापस ऐसे उठा लिया है।
तो देखिए इसमें जो ये आप ड्राइवर अपडेट करेगा वो कौन कौन से होंगे, ये 5 ड्राइवर मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं है तो ये इंस्टॉल करेगा। वैसे आप एक्सपर्ट मोड ऑन कर लीजिएगा, आपको सब डिटेल मिल जाएगी। तो मैंने एक्सपर्ट मोड ऑन कर दिया दोस्तों, तो ये ऐसा कुछ इंटरफेस आ गया कि ये मेरे ड्राइवर सभी इंस्टॉल करेगा। और ये भी आप चूज़ कर सकते हो कि ये ड्राइवर आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों कि आपको जो जो इसमें ड्राइवर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। और दोस्तों ये रहे, ये अभी नॉट डाउनलोडेड है, ये आपको वैसे भी नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपको नेट कनेक्टिविटी ऑन करनी होगी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हमें अभी मेनली ड्राइवर ही करने, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने पहले ही कौन से डाउनलोड कर चुके हो आप। देखिए दोस्तों ये इंस्टॉल है मेरे पहले से ही, मैंने पहले से ही ये इंस्टॉल कर रखे हैं ये ड्राइवर्स, तो मुझे ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स है जो कि इसमें ड्राइवर में अभी नहीं आते, आपको डायरेक्ट ही डाउनलोड करने होते हैं। और डिग्नोसिस में आपका सारी डिटेल आ जाएगी, लैपटॉप कंप्यूटर की जितनी भी होगी दोस्तों। तो हम मेनली वीडियो को लंबा ना करते हैं दोस्तों, हम डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं। अब हमें जो जो ड्राइवर चाहिए दोस्तों उनको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों जो ड्राइवर अपडेट्स हैं मुझे ये इनमें से नहीं चाहिए कोई भी, लेकिन मुझे चाहिए दोस्तों ये देखिए, ये चाहिए मेरे को डेल टच पैड का चाहिए, इंटरनेट नेटवर्क कार्ड चाहिए, कंट्रोल वाईफाई डिवाइस ये भी चाहिए। तो जो जो आपको चाहिए दोस्तों आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना दोस्तों, सिंपली इंस्टॉल एवरीथिंग पे क्लिक कर देना। अभी देखिए दोस्तों ये परसेंटेज यहाँ पर ऑन हो चुकी है, यहाँ पर सब कुछ इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है सब कुछ दोस्तों, ये धीरे धीरे इंस्टॉल हो जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों हम इसको टाइम लगेगा कुछ ज़्यादा ही, तो लगभग देख लीजिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, लगभग 20 से 25 मिनट के बाद हम वापस शुरू हो जाएंगे। जब ये 100% हो जाएगा तब मैं वापस आऊँगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ इंस्टॉल ही होंगे, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बीच में आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाए। जब इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं आपके सामने फिर से आ जाऊँगा। तो देखिए दोस्तों इसने लगभग 10 से 15 मिनट लिए और मेरे ड्राइवर सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। देखिए दोस्तों ऑल ड्राइवर्स हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं कंप्लीट कर दीजिए, या फिर रिस्टार्ट एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो रिस्टार्ट एप्लीकेशन, तो हमें कंप्लीट कर देना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें जो हमने इंस्टॉल की थी वो सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, दोस्तों कई बार देखिए मैं बताता हूँ, कई बार कई ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होते हैं एक टाइम पे, तो आपको क्या करना होता है, आपको दोबारा वो एक बार ज़रूर कर लेना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें और भी सिलेक्ट कर लीजिए, और भी सिलेक्ट कर दिए हैं, तो मैं चाहूँ तो मैं ये भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर बाद में कर लूँगा। मुझे सिर्फ आपको दिखाना था कि कैसे आप अपने ड्राइवर्स ऑटोमेटिक सारे एक एप्लीकेशन से ही आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आ भी गया होगा, देखिए दोस्तों ये ब्लूटूथ आ गया है, पहले ब्लूटूथ नहीं था। और ये देखिए दोस्तों ओपन हार्डवेयर मॉनिटर का भी आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे दोस्तों बहुत सारे आ जाएंगे, मेरे पहले से मैंने साउंड डाल रखा था, ग्राफिक्स भी मेरा ये रहा। तो अगर आपका नहीं है कोई भी ड्राइवर अपडेट या इंस्टॉल, तो आप डायरेक्ट बेझिझक यहाँ से कर सकते हैं, और आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मेल से या फिर कमेंट, मेनली तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि मेल में ज़्यादा नहीं देखता हूँ, कमेंट बॉक्स ज़्यादा देखता हूँ। फिर भी कमेंट बॉक्स में डालोगे तो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ तक मुझसे हो सकेगा, या फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलना दोस्तों।